In this video of interpretation of statutes, we are going to discuss the distinction between law making by legislature and law making by judiciary. So, interpretation of statutes के इस video lecture में हम basically बात करेंगे differences between law making by judiciary and law making by legislature. Right? This is the most important topic of interpretation of statutes. और अगर आप पिछले कुछ सालों के questions उठाकर देखते हो तो ये question कई बार repeat किया गया है और ये question अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है. तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड वे में विथ लीडिंग केस लॉज डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ मेकिंग बाय जुडिशियरी एंड लॉ मेकिंग बाय लेजिस्लेचर इस टॉपिक से डील करेंगे. राइट? ओके. द टू ऑर्गन्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम हैव बीन असाइंड डिफरेंट टास्क. द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर envisages that legislature should make the law, executive should execute it, and judiciary should settle the dispute in accordance with existing laws. तो हमारे पास जो constitutional scheme है जिसमें हम तीन organs के बारे में बात करते हैं, legislature, executive and judiciary. हमने doctrine of सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने ये जाना कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, इन तीनों ऑर्गन्स का अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. लेजिस्लेचर लॉज बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज के इंप्लीमेंटेशन का काम करती है और जुडिशरी इंटरप्रिटेशन का काम करती है. और अगर देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिग्यूटी तो उस इंटरप्रिटेशन के माध्यम से उस प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी को सॉल्व करती है जुडिशियरी बाय डिराइविंग द नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और द टेक्स्ट यूज्ड इन दैट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. राइट? तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में कहता है कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं इनका अपना अपना एरियाज ऑफ वर्क है, अपना अपना फंक्शन है, तीनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं. राइट? इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ड्रॉ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन परमिसिबल लेजिस्लेशन बाय जुडिशियल डायरेक्टिव्स एंड इनेक्टिंग द लॉ द फील्ड एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर लेजिस्लेचर. तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि लेजिस्लेशन का जो काम है यानी लॉज बनाने का जो काम है वो स्पेसिफिकली असाइन किया गया है लेजिस्लेचर को, लेकिन चूंकि जुडिशरी इंटरप्रिटेशन का काम करती है और एम्बिग्यूटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उस करंट सिचुएशन में जो टेक्स्ट जो वर्ड यूज किया गया है स्टैट्यूटरी प्रोविजन में उसके किस मीनिंग को हम डिराइव करें ताकि करंट सिचुएशन के हिसाब से वो चीज बैलेंस हो सके और लेजिस्लेचर का इंटेंशन भी बखूबी ड्रॉ किया जा सके कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर वो यूजिंग दैट टेक्स्ट इन दैट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. राइट? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल डायरेक्टिव्स के बेसिस पर लॉज के इंटरप्रिटेशन का काम करती है जुडिशरी, जबकि एक्चुअल में जो लॉ होता है उसके इनैक्टमेंट का काम लेजिस्लेचर को दिया जाए. जुडिशरी केवल यह चेक करती है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे
नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का जो पावर है वो जुडिशियरी के पास है. यू मस्ट डिस्टिंग्विश लॉ मेकिंग बाई लेजिस्लेटर्स फ्रॉम लॉ मेकिंग बाय द कोर्ट्स. तो हमें अब यहां पे लॉ मेकिंग बाई लेजिस्लेचर को डिफ्रेंशिएट करना होगा फ्रॉम लॉ मेकिंग बाई जुडिशियरी. राइट, लेजिस्लेटर्स कैन ले डाउन रूल्स प्योरली फॉर फ्यूचर एंड विदाउट रेफरेंस टू एनी एक्चुअल डिस्प्यूट. तो जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, वो लॉज बनाते हैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जो लेजिस्लेशन का काम करती है इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में, वो करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए करती है, और तभी करती है व्हेन देयर इज प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी. अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का जो मीनिंग है वो क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है, डेफिनेट है, तो देयर इज नो नीड फॉर इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट, द कोर्ट इन सो फार एज दे क्रिएट लॉ कैन डू सो ओनली इन एप्लीकेशन टू द केसेस बिफोर देम एंड ओनली इन सो फार एज इज नेसेसरी फॉर देयर सॉल्यूशन. राइट, तो बेसिकली करंट सिचुएशन में अगर एम्बिग्यूटी है तो उस प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए जुडिशियरी काम करती है इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, लेकिन लेजिस्लेचर प्योरली जो लॉ बनाता है वो फ्यूचर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाता है. राइट, जुडिशियल लॉ मेकिंग इज इंसिडेंटल. जुडिशियल लॉ मेकिंग क्या है? इंसिडेंटल है टू सॉल्विंग द लीगल डिस्प्यूट्स, वेयर एज लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग इज द सेंट्रल एंड मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर. तो जुडिशियल लॉ मेकिंग बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन इज इंसिडेंटल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन विच अराइजेस बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. जबकि जो लॉ मेकिंग है बाय लेजिस्लेचर, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये लेजिस्लेचर का सेंट्रल और मेन फंक्शन है. राइट, अब जैसे हम लॉ मेकिंग को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. पहला, बाय लेजिस्लेचर, और दूसरा बाय जुडिशियरी. तो लॉ मेकिंग को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बाय लेजिस्लेचर और दूसरा बाय जुडिशियरी. लॉ मेकिंग बाय जुडिशियरी इज इंसिडेंटल, वेयर एज लॉ मेकिंग बाय लेजिस्लेचर इज कंटिन्यूअस एंड परमानेंट एंड मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर. राइट, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं इनएक्टमेंट्स, ऑर्डिनेंसेस, अमेंडमेंट्स और लॉ मेकिंग बाय जुडिशियरी मीन्स प्रेसिडेंट्स. किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए और लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन है उसे डिराइव करते हुए जो रूलिंग सुपीरियर कोर्ट्स देती हैं, वो रूलिंग बाइंडिंग इन नेचर होता है फॉर द लोअर कोर्ट्स. और ये जो रूलिंग्स होती हैं, ये सुपीरियर कोर्ट्स प्रेसिडेंट के फॉर्म में देती हैं. राइट, तो लॉ मेकिंग बाय जुडिशियरी इज पॉसिबल बाय वे ऑफ प्रेसिडेंट्स, व्हिच इज रूलिंग गिवन बाय सुपीरियर कोर्ट आफ्टर ड्यू ऑब्जर्वेशंस, एंड दीज रूलिंग आर बाइंडिंग इन नेचर फॉर लोअर कोर्ट्स. तो लॉ मेकिंग बाय जुडिशियरी इज पॉसिबल बाय वे ऑफ प्रेसिडेंट्स, व्हेयरएज लॉ मेकिंग बाय लेजिस्लेचर इज पॉसिबल बाय वे ऑफ इनएक्टमेंट, ऑर्डिनेंसेस एंड अमेंडमेंट्स. दिस इज इंसिडेंटल डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. सॉरी, दिस इज
permanent and main function of legislature, whereas this is incidental and depending upon situation which arises because of ambiguity in statutory provisions or because of omissions, error committed by lawmakers while enacting the laws. Right? Legislation consists in the declaration of legal rules by competent authority, whereas judicial lawmaking is incidental to solving legal disputes. Right? तो जुडिशियल लॉ मेकिंग क्या है? इंसिडेंटल है इन सॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट्स, व्हेरएज लेजिस्लेशन इज व्हाट? इट इज डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर नीड ऑफ द सोसाइटी. राइट? मोर ओवर जुडिशियल लॉ मेकिंग ऑलवेज फॉलोज लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग, व्हेरएज समटाइम्स लेजिस्लेचर ऑल्सो फॉलोज सर्टेन जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉय इनएक्टिंग लॉज. तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो से हम ये समझते आ रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जुडिशियरी बेसिकली लेजिस्लेचर के इंटेंशन को डिराइव करती है. तो यानी ये जो प्रोसेस है लॉ मेकिंग बाय जुडिशियरी बाय वे ऑफ प्रेसिडेंट, इसे लेजिस्लेचर के इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए जुडिशियरी करती है. लेकिन कभी कभार लेजिस्लेचर भी यानी लॉ मेकर्स भी सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स को, सुप्रीम कोर्ट के फाइंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाने का काम करते हैं. इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल, गाइडलाइंस लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कुछ गाइडलाइंस इशू किया गया था अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल 2010, जिसे फाइनली एक्ट का रूप दिया गया 2013 में और हमारे पास एक्ट बनकर के आता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013. तो यहां बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लॉ मेकर्स के द्वारा प्रॉपर एक्ट बनाया गया. राइट? तो ऐसा भी होता है कि लॉ मेकर्स जुडिशरी के फाइंडिंग्स को, ऑब्जर्वेशन को, गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाने का काम करते हैं. एक केस है हमारे पास इन मेसर्स केशव जी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. मेसर्स केशव जी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस? एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर नॉट रूल्स ऑफ लॉ. तो इस केस में एपेक्स कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो रूल ऑफ लॉ नहीं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ बनाने का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो केवल और केवल लेजिस्लेचर के पास है. दे मेयरली हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस इन सर्टेन केसेस. जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो केवल इंटरप्रिटेशन में मदद करती है कोर्ट्स को, और ये केवल गाइडलाइंस की तरह है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्युटी. दे हैव नो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बिटवीन देमसेल्व्स. रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और रूल ऑफ लेजिस्लेशन का आपस में किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. एज टू व्हाट शुड बी एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. It is totally the discretion of court or rule of legislation, rule of law by legislature or rule of interpretation
बाय जुडिशरी के बीच किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से डील करना है, राइट? इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड व्हाट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर टू बी अप्लाइड विद रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये टोटल कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि क्या रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबल होगा। The rules of law have binding force, whereas rules of interpretation are devoid of it. तो एक तरफ जहां rules of law का binding force होता है, मतलब लोगों के ऊपर वो binding होता है, लेकिन rule of interpretation किस particular situation में कौन सा rule of interpretation court use करेगी, ये court के discretion पर है, तो उसका कोई binding effect नहीं है। Rules of interpretation are merely persuasive in nature. रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन केवल क्या है, परसुएसिव इन नेचर है, कि हम लोग अस्यूम कर देते हैं कि इस सिचुएशन में इस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को हम यूज में ला सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है रूल ऑफ लॉज की तरह। एक तरफ रूल ऑफ लॉज जिनका बाइंडिंग इफेक्ट है, वहीं रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, राइट? एक और केस है हमारे पास इन एल एंड डब्ल्यू रेलवे वर्सेस इवांस। एल एंड डब्ल्यू रेलवे वर्सेस इवांस, इस केस में क्या कहा गया? इट वॉज लेट डाउन दैट वेन द लैंग्वेज इज क्लियर एंड प्लेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कैन नॉट ओवरराइड द रूल ऑफ लॉ और द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट, दे आर ओनली डायरेक्टली which enable us to understand what is inference. तो L and W versus Evans के केस में ये कहा गया कि अगर लॉ का जो लैंग्वेज है वो अपने आप में क्लियर है, प्लेन है, तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट के लैंग्वेज को ओवरराइड नहीं करेगा, क्योंकि स्टैट्यूट का लैंग्वेज अपने आप में प्लेन है, क्लियर है, डेफिनेट है। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन केवल डायरेक्टरी है and they are not mandatory. Rule of interpretation केवल हमें मदद करते हैं inference draw करने में in case of ambiguity, कि हाँ ये inference हो सकता है legislature का हो, right? In every cases the act passed by legislature is omnipotent and when its meaning is expressed having no doubt in it there is no need for rule of interpretation. तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का कोई आवश्यकता नहीं है अगर लॉ का लैंग्वेज अपने आप में क्लियर है, डेफिनेट है, राइट? एक और केस है हमारे पास मॉसिल वर्सेस ओलिंस। मॉसिल वर्सेस ओलिंस, व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस? इट हैज बीन सेड दैट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हैव नो बाइंडिंग इफेक्ट इन देयर जनरल सेंस। तो इस केस में कहा गया कि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है जनरल सेंस में, दे आर अवर सर्वेंट एंड नॉट अवर मास्टर। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हमारे सर्वेंट्स हैं, यानी उन्हें हम पर्टिकुलर सिचुएशन में ही यूज में लाएंगे, क्योंकि उनका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। दे ओनली असिस्ट इन इंटरप्रिटेशन एंड आर इन फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस। वो केवल हमें इंटरप्रिटेशन में मदद करते हैं और वो गाइडलाइंस के फॉर्म में। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हैव नो कंटिन्यूटी एंड दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कंटिन्यूअस बेसिस पर नहीं होता है, इसलिए बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता है, इंसिडेंटल होता है। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आर यूनिफॉर्म नन टू जजेस एंड आर यूज्ड टू क्लियर एम्बिग्यूटी इवन इन सब्सटेंटिव लॉ। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अपने आप में यूनिफॉर्म होते हैं, जजेस इन्हें जानते हैं और इनका यूज एम्बिग्यूटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है इन केस ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। तो ये कहा गया था मॉसिल वर्सेस ओलिंस के केस। तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं अपने अब तक के डिस्कशन को अगर हम समअप करें और तीन चार लाइन में कंक्लूजन को ड्रॉ करें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां रूल ऑफ लॉ फ्यूचर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है बाय द लेजिस्लेचर, वहीं दूसरी तरफ
रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इंसिडेंटल होता है और ये गाइडलाइंस के फॉर्म में होता है जो जुडिशरी को हेल्प करता है कि एम्बिग्यूटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ताकि हमें लेजिस्लेचर के इंटेंशन का पता चल सके। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इनका जो स्कोप है अपने आप में लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि दिस आर नन टू द जजेस और ये अपने आप में यूनिफॉर्म है, हालांकि इनका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है रूल ऑफ लॉ की तरह और ये कोर्ट्स के डिस्क्रिशन पर डिपेंड होता है कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करे ताकि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को डिराइव किया जा सके और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को फाइंड आउट किया जाए। लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन होता है इनैक्टमेंट विच इज रूल ऑफ लॉज, वही जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या है? टू एक्सपाउंड द लॉ, टू इंटरप्रेट द लॉ, राइट। और अभी जो हमने केसेस पढ़ा उससे हमने ये चीज क्लियर कर लिया है कि जो रूल ऑफ लेजिस्लेशन है ये प्राइमरी फंक्शन है लेजिस्लेचर का और इनका बाइंडिंग इफेक्ट होता है और रूल ऑफ लॉ फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, वही रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इंसिडेंटल है और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज किया जाता है। जुडिशरी लॉ मेकिंग करती है बाय द वेज ऑफ प्रेसिडेंट, वही लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करती है बाय वे ऑफ इनैक्टमेंट, ऑर्डिनेंसेस, अमेंडमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के तहत ये जो तीन ऑर्गन्स हैं इनका अपना अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन है और ये तीनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट, राइट। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, आपको लगता है कि वाकई मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर। थैंक यू।